अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे जीरे से जुड़े हुए एक बहुत ही सिंपल लेकिन चमत्कारी उपाय के बारे में। जी हाँ, मैं उसी जीरे की बात कर रही हूँ जिसका यूज़ हम खाना बनाने में करते हैं। जीरा खाने को तो हेल्दी और टेस्टी बनाता ही है, उसके साथ साथ जीरा माता लक्ष्मी की कृपा पाने में भी हमारी सहायता कर सकता है। वो किस प्रकार से? हमारे भारत में कई स्थानों पर तो कई जगहों पर तो ये मान्यता है कि जब बेटी ससुराल जाए तो उसके साथ मुट्ठी भर जीरा जरूर देना चाहिए ताकि उसके घर में, उसके ससुराल में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। देखा जीरे की कितनी अहमियत है। अब इसी जीरे का यूज़ हम माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आपने ये उपाय फ्राइडे को करना है। आपने इसके लिए आपने वो फ्राइडे चुनना है यानी कि शुक्ल पक्ष का, जिसको कहते हैं चांदनी रातों का पहला शुक्रवार, उस दिन आपने ये उपाय करना है। इसके लिए आप उस दिन सुबह जल्दी उठें, अच्छी तरह नहा धोकर साफ स्वच्छ सुंदर कपड़े पहनकर, आपने वाइट या रेड कलर के कपड़े पहनने हैं और माता लक्ष्मी की आपने तस्वीर लेनी है। आपने उसके सामने एक सुंदर सा रेड कलर का कपड़ा बिछाना है आप, और उसके ऊपर मुट्ठी भर जीरा रख दें, और उस जीरे के ऊपर आपने कॉइन रखने हैं यानी कि सिक्के रखने हैं। सिक्के ध्यान रखिए 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही रखने हैं, यानी कि ओड नंबर में ही रखने हैं, इवन नंबर में ना हो, यानी कि विषम संख्या में ही रखने हैं, सम संख्या में नहीं रखने। और सिक्के रखने के बाद आपने जब माता के सामने देसी घी की जोत जगानी है, ध्यान रखिए कि जो घी अगर गाय का हो तो बहुत ही बढ़िया, वरना आप दूसरा घी भी ले सकते हैं। जोत जगाने के बाद आपने 11 माला श्रीम की जाप करनी है। श्रीम माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है जो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। जब बीज मंत्र का जाप करने के बाद आपने लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद आपने आरती करनी है। उसके बाद ये जीरे को आपने इस कपड़े में फोल्ड करके, इसको आपने इस पोटली जैसे बन गई, इस पोटली को आपने अपनी अलमारी, तिजोरी या वहाँ पर जहाँ आप पैसे रखते हैं उस जगह पर रख दीजिए, और थोड़े ही दिनों में आपको इसका चमत्कार पता चल जाएगा। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आय के साधन जुड़ने शुरू हो गए हैं। आप इस उपाय को जरूर करिए। इस उपाय के जो असर है वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। ओम नमः।